हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले में गुलाबी सर्दी में बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद बाड़मेर पुलिस अब वाहन चोरों की तलाश में जुट गई है। गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने चोरी की दो बोलेरो कैंपर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर को इंदिरा कॉलोनी सीसी रोड से एक बोलेरो कैंपर चोरी होने का मामला दर्ज किया गया। वहीं 29 दिसंबर को बाड़मेर शहर के गांधी नगर से बोलेरो कैंपर चोरी होने का मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने जांच पड़ताल शुरू की। शहर कोतवाल उगमराज सोनी के मुताबिक 13 दिसंबर को चोरी हुई बोलेरो को देसूरी से बरामद की गई है। वहीं आरोपी ओंकार सिंह निवासी कोटड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 29 दिसंबर को चोरी हुई बोलेरो बाछला बेरुड़ी से बरामद की है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी ओंकार सिंह आले दर्ज का वाहन चोर है, जिसके खिलाफ जैसलमेर में कई प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस वाहन चोर से गहनता से पूछताछ करने में जुट गई है। दिसंबर माह में हमारे कोतवाली हल्का क्षेत्र से दो बोलेरो वाहन चोरी हुए थे। एक हुई थी 29/12 को और एक हुई थी 13/12 को। 13/12 को अलाराम सनो जयराम कुमावत जो इंदिरा कॉलोनी रहते हैं उनकी बोलेरो गाड़ी को रात 12 और 13 की मध्य रात्रि को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। उस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस प्रकार 29/12 को मोटाराम चौधरी द्वारा एक रिपोर्ट दी कि मेरे गांधीनगर स्थित मकान पर रात को बोलेरो गाड़ी खड़ी की थी और अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। दोनों वाहनों के बारे में पते सी हेतु श्रीमान एस पी साहब और सीओ साहब के निर्देशन पर एक टीम गठित की गई। टीम में नीम सिंह, सब इंस्पेक्टर इंदर सिंह इत्यादि टीम मेंबरों ने काफी मेहनत करके और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।